तो बेगूसराय और खगड़िया का प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। खगड़िया में पुल गिरा है, भवानी घाट खगड़िया। उस समय बीच में जो तेजस्वी यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये उन्हीं की करामात है। लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट जो हुआ उसमें ये बात सामने आई कि उसका डिजाइन ही गड़बड़ था। डिजाइन जिस समय पे बना था उस समय भाजपा की सरकार थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में पालीगंज और बिहार के क्या मुख्य मुद्दे होंगे, जैसे एक क्षेत्रीय बताइए और फिर बिहार के स्तर पर आप बताइए कि जो भाजपा अगर सरकार में फिर से आती है पालीगंज विधानसभा से, यदि कोई भाजपा का प्रतिनिधि जीत के आता है तो किन चीजों को प्रमुखता से रखेगा और क्या कुछ सुधार? हम लोग विकास के मुद्दों को प्रमुखता से रखेंगे। जैसे आपने देखा हम लोगों ने गंगा में पुल बनाया लंबा, गिरगिटा से दीदारगंज तक बड़े बड़े फ्लाईओवर बन रहे हैं। हमारे यहाँ और विकास, हम लोगों ने अभी, आप इधर जाइए, मैं तो बेगूसराय और खगड़िया का प्रभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी का। खगड़िया में पुल गिरा है, भवानी घाट खगड़िया। उस समय बीच में जो तेजस्वी यादव पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये उन्हीं की करामात है। लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट जो हुआ उसमें ये बात सामने आई कि उसका डिजाइन ही गड़बड़ था। डिजाइन जिस समय पे बना था उस समय भाजपा की सरकार थी, ठीक है, लेकिन डिजाइन की गड़बड़ी के कहां पुल गिरा है? लेकिन वो फिर से गिर रहा है, अभी तो अभी क्या है दोबारा नहीं मुझे, लेकिन मैं चीज देख रहा हूँ वो गिरा, लेकिन और सारे पुल बन रहे हैं, ठीक है ना। उसके अलावा 29 पुल बिहार में गिरे हैं, वो तो अभी भी कुछ दिनों पहले पिछले सप्ताह में, सब जो राजद का जो हुकूमत जो आया बीच में सब उसी का परिणाम है। अभी आप दीघा में चले जाइए, कितने कल कारखाने लगे हैं, यहाँ फतुहा में, अब बिहटा में चले जाइए, तो हम लोग फिर औद्योगिकरण की तरफ बढ़ गए हैं। हमारे, इस बात में तो हम भी मानते हैं। राज्य में आपने एक बार पहले एक बात आपने कही थी, चूंकि मैं बिल्कुल ही, हम लोग घर में बैठे हुए हैं इसलिए थोड़ा बातचीत जैसा मैं इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, कोई ये नहीं कि हमारे यहाँ जूट मिले कितनी थी, चीनी मिले कितनी थी, हमारे यहाँ डालमिया नगर था, हमारे यहाँ बिहटा चीनी मिल थी, हमारे यहाँ कटिहार में कितनी जूट की मिले थी, उसको किसने बंद किया, किसके राज में वो बंद हुआ? 90 से 2004 के बीच में नहीं, 90 से 2000 के पहले कांग्रेस के राज में बंद हुआ। और इंदिरा गांधी ने बिहार में, जब 77 में इंदिरा गांधी हारी तो उनको लगा कि बिहार के लोगों ने हराया, तो कानपुर से लेकर के कलकत्ता तक को उन्होंने बर्बाद कर दिया और यहाँ के सारे उद्योग धंधों को उन्होंने शिफ्ट कर दिया दक्षिण और पश्चिम भारत में। इसका मतलब है कि बात करते हैं बिहार में उद्योग धंधों को बर्बाद करने में इंदिरा गांधी का हाथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी का हाथ है, पूरी कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी का ज्यादा, क्योंकि जब नेहरू जी बने तो उन्होंने एक दो वो काम किया, जैसे उन्होंने बोकारो बनवाया, ये किया, लेकिन उससे ज्यादा श्री बाबू का उसका श्रेय रहा है। श्री बाबू चूंकि बिहार में कांग्रेस ही मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो अपनी ताकत पर मुख्यमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, या गांधी जी, तो इन्होंने कहा कि मैं उस मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनूंगा। जब श्री बाबू ने कहा तो अब बिना श्री बाबू के कैसे उस समय राजपाट चल सकता था, जैसे अब राजद की सरकार बने बिना तेजस्वी यादव के कैसे चल सकता। आजादी के समय में भी श्री कृष्ण बाबू के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम किया गया, पूरा 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 कांग्रेस पार्टी ने रचा, आज तक भारत रत्न को नहीं दिया, जबकि जे कामराज जैसे बहुत इंफीरियर यानी कम समय तक सत्ता में रहने वाले और इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, ऐसे चमचागिरी नारे गढ़ने वाले लोगों को भारत रत्न मिला। और चूंकि इनका यही दोष था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बिहार आते थे तो एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने नहीं जाते थे, ये किताब पढ़ते रहते थे या प्रशासन चलाते रहते थे। श्री बाबू के टाइम में बिहार तीसरे नंबर की गुड गवर्नमेंस वाला राज्य था, लेकिन उस श्री बाबू को भारत रत्न कांग्रेस ने नहीं दे करके श्री बाबू और समूचा कृषक समाज को अपमानित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देगी? मैं, वो तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी तो देगी ही। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में अगर सरकार बनेगी अपनी सरकार तो निश्चित रूप से विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा। तो विधानसभा में इसको पेश किया जाएगा और भारत रत्न की अनुशंसा की जाएगी।